नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दूसरी सीट से भी आज नामांकन कर दिया। केरल के वायनाड के सांसद व प्रत्याशी राहुल गांधी ने आज अपने गृह प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट से पर्चा दाखिल किया है, यानी वो अपनी मूल सीट अमेठी, जिससे वो 2019 में चुनाव हार गए थे, इस बार उस सीट से उम्मीदवार नहीं बने हैं। राहुल गांधी की अमेठी छोड़ने और रायबरेली से चुनाव लड़ने को बीजेपी कह रही है कि वो डर गए हैं, वो रणछोड़ हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एक रणनीति के तहत राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली है और रायबरेली जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि दरअसल माँ की सीट को बेटा ही संभाल सकता था, इसीलिए उन्होंने रायबरेली से पर्चा दाखिल किया था। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है उसमें राहुल गांधी रणछोड़ हैं या रणवीर हैं, किसकी बात मानी जाए ये तो 4 जून के नतीजे ही बताने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने नामांकन उसी लिए किया कि मां सोनिया गांधी की जो काली की हुई सीट थी, जो कुर्सी थी, उस पर पुत्र को ही विराजमान होना चाहिए। इसीलिए 2024 के परिणाम कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए रणवीर साबित होंगे। दरअसल आज सुबह 8 बजे कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण सुबह से ही गतिविधियां बहुत तेजी से चली, सांस लेते की फुर्सत भी किसी को नहीं दिख रही थी। यहां तक कि अमेठी से लगी फुर्सतगंज की हवाई पट्टी भी करीब 10 बजे से बिजी हो गई। पूरा गांधी परिवार वहां प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से पहुंचा, लेकिन यहां पर परिवार और नेताओं के कुछ फुर्सत के पल कैमरे में इस हवाई पट्टी पर जरूर रिकॉर्ड हुए। वो तस्वीरें भी आपने सुबह से देखी होंगी। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन भाई बहन दोनों एक साथ दिखाई दिए हवाई पट्टी के ऊपर। उसके बाद भाई और बहन ने अलग अलग रास्ता अपना लिया। राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा और बाकी नेता रायबरेली की तरफ चले गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने एयरपोर्ट से सीधे किशोरीलाल शर्मा के पास अमेठी जाने का फैसला किया और वहां पर उनके साथ उनके रोड शो में शामिल हुई। दरअसल किशोरीलाल शर्मा को भी आज सुबह ही पता लगा कि उनको चुनाव लड़ना है अमेठी सीट से। केएल शर्मा को क्यों पार्टी ने नुमाइंदा बनाया इसकी वजह खुद प्रियंका गांधी ने बताई। 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के पहले पूरे परिवार ने एक साथ आज पूजा पाठ भी की। हर बार नामांकन के पहले गांधी परिवार रायबरेली में इसी तरीके से पूजा करता है और फिर कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन करता है। पूजा पाठ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हिस्सा लिया। यहाँ पूजा पाठ समाप्त करने के बाद नामांकन के आखिरी बिल्कुल आखिरी क्षणों में राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी समेत पूरा परिवार तो था ही था, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी दरअसल पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे रायबरेली उनके लिए नई जगह नहीं है। जब सोनिया गांधी ने पहली बार रायबरेली से पर्चा भरा था उस वक्त भी राहुल गांधी यहां पर सक्रिय रहे थे और इस बार भी वो खुद मैदान में हैं। कांग्रेस हाईकमान ने रायबरेली को क्यों तरजीह दी, राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली को ही क्यों चुना, ये सही है कि वो पिछला चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे, क्या उसी वजह से सीट बदलने का फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, क्या अमेठी का गढ़ टूटने के बाद रायबरेली के किले बचाने की ये कोशिश है, क्या यूपी में बची एकमात्र सीट को कांग्रेस किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। पहले रायबरेली की राजनीति को समझते हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है। सोनिया गांधी 5 बार यहां से सांसद रही हैं, अभी भी सांसद हैं इसी जगह से, अब वो राज्यसभा चली गई राजस्थान से।
इंदिरा गांधी भी इसी सीट से सांसद रही। ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली को। सोनिया गांधी, जैसा कि मैंने कहा, 5 बार की यहां से सांसद हैं, और सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रही हैं। उसके पहले राहुल गांधी के दादा यानी फिरोज गांधी भी इसी सीट से सांसद रहे। राहुल गांधी का इस सीट से दरअसल बहुत पुश्तैनी रिश्ता रहा है। 1996-1998 में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीते, और इसके अलावा एक बार 1977 में समाजवादी धड़े के राज नारायण ने यहां से जीत हासिल की थी। अब तक हुए चुनावों में 16 बार यहां से कांग्रेस चुनाव जीती है। कार्यकर्ताओं ने यहां कांग्रेस को ज्यादातर निराश नहीं किया है, इसीलिए किसी भी गांधी परिवार के नुमाइंदों को मैदान में यहां से उतारा जाता है, उसको पसंद किया जाता है यहां से चुनाव लड़ाने के लिए। वायनाड से राहुल जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, फिर आखिर रायबरेली का गढ़ बचाने राहुल ही क्यों उतरे, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। रायबरेली यूपी की एकमात्र सीट है जहां से कांग्रेस ने इस निवर्तमान संसद में एक सीट जीती थी, यानी 2019 में यूपी के 80 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी, और वो थी ये रायबरेली की सीट। लेकिन जीत का मार्जिन लगातार रायबरेली में घटता जा रहा है। अगर बात करें 2014 की, तो सोनिया गांधी ने 3.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी। 2019 की अब बात करते हैं तो ये जीत का अंतर कम हुआ और 1.67 लाख वोट ही रह गया, यानी करीब करीब 2.25 लाख वोट। कभी सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे दिनेश सिंह ने 2019 में बीजेपी का टिकट पाकर उन्हें चुनौती दी थी, और इस बार फिर बीजेपी ने इन्हीं दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की जीत का मार्जिन इन्हीं दिनेश सिंह के आने के बाद आधा हो गया था। ऐसे में कांग्रेस में यह डर हो सकता है कि अगर यहां से गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ा तो यह सीट भी कहीं कांग्रेस के हाथ से ना निकल जाए, जैसे हर साल हर चुनावों में वोट परसेंटेज कम होता जा रहा था। अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार प्रियंका गांधी क्यों चुनावी मैदान में नहीं उतरी, किस बात की घबराहट है? खबरों की माने तो प्रियंका अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। एक साथ परिवार के 2 सदस्यों के दोनों सीटों पर लड़ने के वो खिलाफ हैं। वो नहीं चाहती हैं कि दोनों भाई बहन अपनी अपनी सीट पर एक साथ चुनाव में जाएं और उन्हीं सीट पर फंस कर रह जाएं। इससे बाकी जगह प्रचार और मैनेजमेंट करने में उल्टा असर पड़ सकता है। बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर दोनों भाई बहन को घेरने का एक और मौका मिलता अगर दोनों एक साथ चुनाव में उतरते लड़ते दिखाई देते। रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है, और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रही किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की वजह अब आपको समझ आते हैं। कांग्रेस ने क्यों उन्हें अमेठी से नहीं उतारा? दरअसल 2019 में राहुल गांधी करीब 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि दोबारा वही स्थिति बने। दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि लड़ाई पूरे देश की जगह अमेठी पर जाकर टिक जाती। अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने मुकाबले में उतरते तो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है आने वाले 5 फेजों की वो केंद्रित हो जाती अमेठी के आसपास। एक कार्यकर्ता को टिकट देकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो कार्यकर्ता, खासकर निष्ठावान कार्यकर्ता जो है, उसको भी वो इंपॉर्टेंस देती है। इसीलिए किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार अमेठी से बनाया गया है। अब राहुल और प्रियंका अमेठी, रायबरेली समेत पूरे देश में खुलकर प्रचार कर सकेंगे। विपक्ष को निजी हमले करने का मौका अब कब मिल पाएगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता है। किशोरी लाल शर्मा के बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो कौन है और क्यों उनको उनके ऊपर इतना भरोसा है। गांधी परिवार जब अमेठी से मैदान में नहीं होता है
तो पहला नाम सबके जहन में अगर किसी गैर गांधी का आता है तो वो किशोरी लाल शर्मा का ही है। हो सकता है कि देश के बाकी हिस्सों में किशोरी लाल शर्मा नया नाम हो, लेकिन अमेठी के लिए वो नया नाम बिल्कुल नहीं है। और बेशक चुनाव गांधी परिवार इन दोनों सीटों से लड़ता रहा हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ही ग्राउंड लेवल पर अमेठी और रायबरेली का सारा कामकाज देखते रहे। वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सदस्य रहे परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। उन्होंने कभी खुद के लिए टिकट नहीं मांगा, 40 साल से निस्वार्थ काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में वो जाना पहचाना नाम है और लोकप्रिय भी हैं। ये सब बातें किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में गई। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के सबसे नज़दीकी हैं। वैसे तो वो लुधियाना में जन्मे हैं, लेकिन पिछले 4 दशकों से अमेठी में सक्रिय रहे हैं। 3 से 4 दशक का समय उनको वहाँ हो गया है। लंबे समय से रहने की वजह से स्थानीय उम्मीदवारी उनको बताया जाता है। इस सीट को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, कुशल मैनेजर उनकी भूमिका रहती है। मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहते हैं और हर बूथ तक उनकी पहुंच है। हर अपने ब्लॉक प्रमुख को, अपने कार्यकर्ता को नाम से जानते पहचानते हैं। प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। राहुल गांधी की अमेठी से नहीं लड़ने पर बीजेपी ने अब उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के हर बड़े नेता ने आज राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से उम्मीदवार है, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। वही प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में रैली कर रहे थे, उन्होंने भी वहां पर इस मुद्दे को उठाया और पूरे के पूरे गांधी परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि सब के सब डर गए हैं। और सोनिया गांधी पर निशाना साध के कहा कि पहले ही मैंने कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। और आइए इसी मुद्दे पर, जिसने सबको हैरान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से ना लड़कर क्यों रायबरेली से लड़ रहे हैं, हमने बात करने की कोशिश की सोनिया गांधी के परिवार के बेहद नज़दीकी राजीव शुक्ला से। राजीव शुक्ला मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे और इस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता और खुद यूपी से आते हैं। पहला सवाल राजीव जी जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ यही कि अमेठी से पार्टी ने उनको क्यों नहीं लड़ाया। आपके लोग कह रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मजबूरी का फैसला है, राहुल गांधी तो रणछोड़ हो गए हैं। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको रायबरेली को कम क्यों आंक रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के दादा लड़े, दादी लड़ी, माँ लड़ी, वो सीट पारिवारिक सीट रायबरेली पहले थी, अमेठी तो बाद में हुई। अमेठी की शुरुआत तो संजय जी से शुरू हुई थी और फिर राजीव गांधी जी वहां से लड़े थे, लेकिन रायबरेली तो एकदम पैतृक सीट है जहां से इंदिरा जी, फिरोज गांधी जी और इसके बाद जो है जितने कांग्रेस के लीडर थे। तो इसलिए जो है ये कहना कि ये कोई सीट जो है पारिवारिक नहीं है, प्रतिष्ठा की सीट नहीं है, ये एकदम गलत है। तो मेरे ख्याल से सही चयन है कि उन्होंने रायबरेली को चुना। नहीं राजीव जी, स्मृति ईरानी तो कह रही है कि राहुल गांधी डर गए इसीलिए हार के रायबरेली चले गए और वो रायबरेली में भी चुनाव हारेंगे। स्मृति ईरानी क्या कहती है मेरे ख्याल से उसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी कहेंगी। लेकिन रायबरेली सीट भी बहुत परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको महत्व दिया। और अमेठी सीट पर उस व्यक्ति को लड़ाया, केएल शर्मा को, जो पिछले 35 साल से अमेठी में काम कर रहे हैं,
अमेठी के घर घर को जानते हैं, गांव गांव को जानते हैं, व्यक्ति व्यक्ति को जानते हैं, और वो जो है ऐसी कड़ी टक्कर देंगे कि स्मृति जी को पता चलेगा कहां फंस गई। वो कार्यकर्ता को भी सीट दी गई है तो वो सम्मान भी दिया और स्वयं राहुल जी यहां से आए। राजीव जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी हमला किया और कहा कि सोनिया, उन्होंने पहले ही कहा था कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला किया। जवाब पूरा है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया जी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी भी राज्यसभा में रहे, कि उनके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्यसभा में है गुजरात से, राजमाता सिंधिया राज्यसभा में रही, और तो और सुषमा स्वराज अरुण जेटली राज्यसभा में रहे, तो क्या सब डर के मारे भाग गए थे राज्यसभा? आप अपने नेताओं का अपमान क्यों कर रहे हो? अटल जी का अपमान क्यों कर रहे हो? आडवाणी जी का अपमान क्यों कर रहे हो? सिर्फ सोनिया जी के खिलाफ एक पॉइंट स्कोर करने के लिए, बात बनाने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए आप अपने नेताओं के लिए बला बुरा कर रहे हो। आपका तो आधा नेतृत्व तो राज्यसभा में ही रहा, तो मेरे ख्याल से ये सोनिया जी पे नहीं बोलना चाहिए। रही बात भागने की, भागी नहीं, वो लगातार सारे लोकसभा चुनाव लड़ी। पहली बार यह है कि आपको पता है कि सोनिया जी मतलब कंपेन करना मुश्किल होता है, वो इतनी डस्ट में सब उनको बड़ी तकलीफ होती, इसलिए हम सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप राज्यसभा में, तब वो राज्यसभा के लिए तैयार हो। कोई कभी भागी नहीं, तो कितने चुनाव लड़ी और जीती है, उनको ये कहना कि भाग गए मेरे ख्याल से उचित नहीं। और कौन भाग गया? राहुल जी दो दो जगह चुनाव लड़ रहे, वो कोई भाग गए क्या? वो बाय नॉट दक्षिण से भी लड़ रहे हैं, उत्तर से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दक्षिण से उत्तर तक हर तरह, तो वहां से तो भाग कौन गया? कोई नहीं भागा, सब लड़ रहे हैं। हमारे दो दो लोग राज्यसभा में फिर भी लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री हैं और दिग्विजय सिंह, तो कांग्रेस का कोई नेता भागा नहीं है, लड़ गए, सब मजबूती से लड़ रहे हैं। राजीव जी, अब ये बात देखिएगा, राहुल गांधी दोनों सीटें जीत गए, जो सबसे बड़ा समंजस है, वायनाड भी जीत गए, रायबरेली भी जीत गए, तो कौन सी सीट छोड़ेंगे भाई वो? ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से वो तो दोनों सीट पर जीतेंगे ही, लेकिन यह है कि ये चीज राहुल जी पे छोड़ देना चाहिए, किस सीट को रखना चाहते हो, किस सीट को छोड़ना चाहते हो, ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में अटकलबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, पर राजीव जी, राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आए कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत पर, तभी अमेठी और रायबरेली पर फैसला लेने में इतना वक्त लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मीडिया में सब था, मीडिया की जो अटकलबाजी है उस पर जो है कोई जवाब देना, उस आधार पे कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। इससे मीडिया में अटकलबाजी चल रही, अंदर क्या था वो हम सब लोगों को पता था। तो अंदर क्या था वही तो जानने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आखिरी दिन, आखिरी घंटे में नाम क्यों लिया राहुल गांधी का, ये कौन सी रणनीति थी? भाई अभी भी बीजेपी के तमाम कैंडिडेट बाकी हैं, अनाउंस नहीं किए, तो वो क्यों आखिरी उसमें अनाउंस हो रहे हैं? परसों तो रायबरेली का कैंडिडेट बीजेपी ने अनाउंस किया, कल किया है, बल्कि उनसे सवाल नहीं हुआ, उनसे पूछ सकते थे कि आपने कल इतनी देर क्यों कर रहे हो? ये तो अभी आखिरी चरण के चुनाव है, या छठे चरण के चुनाव है, या पांचवें चरण के चुनाव, तो जब तक वो घोषित नहीं होता नोटिफिकेशन को, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, तब तक कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं। राजीव जी, बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल पूछ लेंगे कि आपने क्यों टाइम लगाया, लेकिन आप अपना बताइए ना कि आखिरकार ये कौन सी रणनीति थी? पहले दिन अगर नाम घोषित कर देते तो डेढ़ दो महीने का कैंपेन आपका तैयार हो गया होता, माहौल गरमा गया होता। नहीं, रणनीति जो है उसका अंदाजा तो आपको बाद में लगेगा कौन सी रणनीति थी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ रणनीति से हमने किया, अब देखेगा चुनाव परिणाम के बाद क्या होता। जी, ये बताइए कि प्रियंका गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ेंगी, कभी नहीं लड़ेंगी? देखिए, प्रियंका जी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी उनकी मीटिंग में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, तो हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंपेनर भी तो चाहिए जो पूरे देश में चुनाव प्रचार कर सके, और जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, भाषण जनता के दुल्हन दिमाग में छा जा रहा है। कल जैसे जब राजीव गांधी पे जो हमला भाजपा ने किया था, जो इंदिरा गांधी की संपत्ति हथियार है, तो उसका जो जवाब प्रियंका जी ने दिया, आज बीजेपी को उसका जवाब देते नहीं बन पा रहा। तो जो बोल नहीं है उनकी, बोलने की भाषण का जो प्रभाव है, जो शैली है, और जिस तरह उनके इसमें भीड़ उमड़ रही है, इसलिए पार्टी ने तय किया कुछ चुनाव प्रचार करेंगे। नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंपेनर तो नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह भी चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी चुनाव लड़ता है, लेकिन चलिए छोड़िए, बताइए कि प्रियंका गांधी क्या राहुल गांधी जो चुनाव जीतने के बाद एक सीट खाली करेंगे, उपचुनाव होगा, वहां से लड़ेंगी क्या आगे जाकर?
देखिए राजनीति में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पत्रकार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कल को आप आए तो आप भी लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने पे किसी को रोक नहीं। लेकिन यह है कि ये राजनीतिक संभावना कभी किसी के लिए भी हो सकती है, तो पार्टी निर्णय करेगी और वो स्वयं निर्णय करेंगे उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन पार्टी के लिए पूरा रात दिन काम कर रही है। राजीव जी, आप पत्रकारों के कोटे से आप चुनाव लड़ चुके हैं, नेता बन चुके हैं और मंत्री बन चुके हैं, ये आप ही को मुबारक हो, मुझे बख्श दीजिए, मुझे चुनावों में नहीं आना भाई। नहीं नहीं अभी बहुत क्यों, और अरुण शौरी नहीं बने थे, कुलदीप नैयर भी राजनीति में आए थे, राज्यसभा में रहे थे, कई पत्रकार भी आए। ये बताइए आप किशोरीलाल शर्मा के बारे में, उनके नामांकन में कोई बड़ा नेता नहीं दिखा वहां पर, क्यों? देखिए प्रियंका जी वांगे यही बहुत बड़ी बात, अशोक गहलोत जी वांगे वो भी बड़ी बात, दोनों बड़े नेता नहीं, और नामांकन में सिर्फ 5 लोग अलाउड होते हैं अंदर। चलिए शुक्रिया राजीव शुक्ला हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और अब मेरे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी है जो राजीव शुक्ला ने तमाम इल्जाम आप पे लगाए, कांग्रेस पर आप लोग हमला बोल रहे थे कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता, हार से डर रहा है, लेकिन अब तो राहुल गांधी का नाम सामने आ गया है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? देखिए आज जो घटनाक्रम हुआ है अमेठी रायबरेली की सीट को लेकर, यद्यपि यह कांग्रेस का पूरी तरीके से अंदरूनी मामला है, परंतु यह ऐतिहासिक है। पहला इतिहास यह है कि इससे पहले भी गांधी परिवार के लोग अमेठी या रायबरेली की सीट हारे हैं, पर यह पहली बार हुआ कि हारने के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने सीट छोड़ दी। इंदिरा जी भी हारी थी, संजय गांधी भी हारे थे, पर सीट किसी ने नहीं छोड़ी, राहुल गांधी ने सीट छोड़ दी। दूसरा ऐतिहासिक घटनाक्रम यह हुआ कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आया और उसने पार्टी में कोई पद धारण किया तो अगले लोकसभा चुनाव में उसने चुनाव जरूर लड़ा और वो सांसद बना। प्रियंका गांधी पहली गांधी परिवार की सदस्य बनी जो राजनीति में तो आई पर चुनाव नहीं लड़ी। अब इसके लिए मैं प्रियंका गांधी जी के लिए कहना चाहूंगा, उन्होंने पिछले यूपी के चुनाव में एक नारा दिया था, अब गांधी परिवार के अंदर स्थिति क्या हो गई, उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब गांधी परिवार का अंदरूनी नारा हो गया कि प्रियंका जी के लिए कहना चाहूंगा लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। और एक और बात आप समझ लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, उनकी स्थिति ये कि वो स्मृति ईरानी जी से तो डर कर चले गए, लड़ नहीं पाए, मोदी जी से क्या लड़ेंगे। और एक और बात समझिए, यदि अमेठी में वो आश्वस्त नहीं है अपनी खानदानी सीट पे कि वो जीत सकते हैं और कहें पूरे भारत को जीत लेंगे, मतलब एकमात्र लोकसभा सीट जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी अपनी मम्मी की लोकसभा सीट के ऊपर चले गए और कह रहे हैं पूरे भारत में जीता। अखिलेश यादव जी को देखिए, कन्नौज से उन्हीं के परिवार का सदस्य लड़ रहा है, मगर सपा के लोग करें नहीं भैया जब आप आएंगे तभी कन्नौज निकल पाएगी, यानी कन्नौज की सीट जहां उनकी ये हैसियत होनी चाहिए थी, वो जिसको चाहे खड़ा कर दे वो जीत जाएगा, वहां उनको पता उनके अलावा उनके परिवार का सदस्य नहीं जीत पाएगा। तो ये एक हकीकत बयान हो गई आज उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जो राहुल गांधी जी अपने भाषण में बोलते थे ना, दूध का दूध पानी का पानी, तो आज के इस कांग्रेस के निर्णय से दूध का दूध पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा रायता का रायता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज ये तय हो गया कि अमेठी रायबरेली में अब चुनाव में किस दिशा में चुनावी बहस जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लगातार पिछले कुछ मिनटों से आपको बता रहे थे कि हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। इस चुनाव का पहला इंटरव्यू है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव बेशक चुनाव प्रचार में ना नजर आ रहे हों लेकिन आरजेडी की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण सीट में दिखाई दिए, बाकी सभी जगह तेजस्वी यादव ही प्रचार करते दिख रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि तेजस्वी ही पूरा प्रचार इस बार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण को हम लोग किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर कहा कि उनको देखकर अब तरस आता है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी मनीष कुमार ने। तीसरे चरण के मतदान में अब मात्र 3 दिन का समय बचा है। हमारे साथ बिहार की राजनीति के धुरी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव जी हैं। सर ये दूसरा चुनाव है, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? पूरा हम प्रचार हमारा
तेजस्वी यादव कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से बैठे बैठे और लोगों को बुला के लोग आते हैं यहाँ से और जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़रूरी वहाँ हम जाते हैं जाएंगे अभी जो बाकी है और काफ़ी ज़ोरदार प्रचार प्रसार हो रहा है। अन्य दल बहुत पीछे है प्रचार प्रसार में। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या हो रहा है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है भारत का संविधान ख़त्म करना चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। आपको क्यों लगता है कि आरक्षण ख़त्म कर देगा? नरेंद्र मोदी तो बार बार बोल रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आएंगे तो इस संविधान को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये तो दिखावा है, जब हम लोग पकड़ रहे हैं तो इस तरह का बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके सारे लोग बोल रहे हैं संविधान को मिटने नहीं देंगे हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो दिया हुआ संविधान है, रिजर्वेशन है, इसको हम मिटने नहीं देंगे और ये हमारा मुद्दा है। और महंगाई बेरोजगारी पूरा फैला हुआ है, इसको मिटाना है। सर लेकिन 10 साल में जब ये लोग संविधान को नहीं बदला तो अब आपको क्यों डर लग रहा है? अब 10 साल के बाद इनको मालूम हो गया है ना कि अब ये चलने वाला नहीं है, अब इनका आगे तो ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके अपना तंत्र चलाना चाहते हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण में जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण आप लोग दे रहे हैं, ये हिंदुओं ये सब गलत है। हिंदू भाई को क्यों कोई चीज़ के खतरा है? मुसलमानों से क्या खतरा है हिंदू भाई को? रिजर्वेशन सबको मिलना चाहिए, जो पसमंदा हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? उनको आरक्षण देने का मतलब है कि हिंदू पर खतरा हो गया, ढोंग करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। हिंदू भाइयों को खतरा, रिजर्वेशन हम लोग बढ़ाया, सबका बढ़ावे, जातीय जनगणना होने के बाद रिजर्वेशन बढ़ा सबको। बिहार में कर्पूरी जी ने सबसे पहले जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था उसमें मुसलमानों की भी कई जातियाँ थी, कई एक जातियाँ थी जिसमें आते हैं वो लोग, उनको मिला, उसको बढ़ाया गया है बहुत अत्यंत पिछड़ों को, मुस्लिम्स को, पसमंदा मुस्लिम है, दलित मुस्लिम का तो अभी तक नहीं हुआ, उनको बढ़ाना है हमको। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है ये चुनाव में आप लोगों के ऊपर हो रहा है? क्यों हो रहा है इस लोगों को केस मुकदमा मुस्लिम तंत्र ये वो इस तरह का ढोंग कर रहे हैं, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर बंद कर रखा, तो क्या हो रहा है? लोग देख नहीं रहे हैं, सारे देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। ये 10 साल में कुछ नहीं किया, अब उल्टे फिर ही बैठना चाहते हैं इनको, देश की जनता किसी भी कीमत पर इस चुनाव में बैठने नहीं देगी। सर एक आपके ऊपर में ये लोग आते हैं, अभी सबने आरोप लगाया कि आप अपने परिवार के लोगों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, दो दो लोगों को आपने लोकसभा में टिकट दिया। अरे परिवार बात वो कर रहे हैं, हम लोग कौन सा परिवार बात करता है? जो पॉलिटिशियंस के बाल बच्चे अगर योग्य है, सक्षम है, तो उसको हक नहीं है राजनीति करने का? ये तो छटपटा रहे हैं कि इनका बाल बच्चा कैसे बढ़ रहा है, जीत रहा है। आपके जो एक समय में सहयोगी थे नीतीश कुमार, जो आपके ऊपर रोज रोज हमला करते हैं, उस पर आपको कैसा लगता है? नीतीश कुमार के ऊपर तरस आता है नीतीश कुमार को। हम क्या बोले नीतीश कुमार को? जो छोटे भाई हम बोलते थे वो तो अपना फर्ज नहीं निभाए, तो इसलिए इनको अब जो भी बात बोलते हैं सारे लोग देख रहे हैं, बोलते हैं कि बच्चा पैदा किया लोग, तो ये क्या बच्चा पैदा किया,
जो नहीं बच्चा पैदा किया तो उसके लिए हमको क्या कहना है। लेकिन मान लीजिए सर, अगर नीतीश कुमार फिर आपके पास वापस आना चाहें तो आप उनको अब लेंगे? काहे के लिए नीतीश कुमार अब आएंगे यहाँ पर? फिर मुरली तार तार फिर उनको यहाँ हम लोग बढ़ावा दें? यह स्थिति में ही रहे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं अभी, चले अब राजनीति का करने का अब दम नहीं है नीतीश कुमार को। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है चुनाव देश में? हम लोग इंडिया गठबंधन जीत रहा है, सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं अमित शाह ये सब। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो सर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उनका कम हो रहा है ना, उनको वोट नहीं मिल रहा, हम लोग का जो वोट है वो तो सब मिल रहा, उनके जो वोट है वो सो गया घर में। देश की जनता में कोई लोगों में उत्साह नहीं है जो उस समय जो छल करके जो वोट लिए थे, कितना को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बाहर से पैसा आएगा, हम जमा कराएंगे, खाता खुलवाए, कुछ नहीं किया। सब लोग समझ गए कि ये आदमी खाली झूठ बोलता है। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो इनका हर साल में इनका अलग अलग प्रधानमंत्री होगा। गलत बोलते हैं, इनकी आदत अभी तो जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं, भड़काना चाहते हैं लोगों को, ये भड़का रहे हैं मतलब ये जा रहे हैं, मन यही रहे बराबर। सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव को, कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी चुनाव हारने वाले हैं और आरक्षण के मामले पर सरकार के लोग भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ये पूरी बातचीत आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। खास बातचीत है लालू प्रसाद यादव से मनीष कुमार की। वक्त हो गया है खबरों खबरों एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और है खबरें, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। पर बात प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने के। अब तक प्रज्वल रेवन्ना जो कि सांसद हैं, जेडीएस के उम्मीदवार हैं, अभी तक फरार हैं। उसके खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके वो अब तक पकड़ से बाहर है। प्रज्वल रेवन्ना कथित सेक्स टेप का आरोपी है। इस केस की जाँच कर्नाटक पुलिस की SIT की टीम कर रही है और उसने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। कथित सेक्स टेप के मामले पर कर्नाटक की राजनीति में इसी वजह से इन दिनों जमकर भूचाल आया है। तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर पोलिंग होनी है, इसीलिए मामला बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। अब इस केस में सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने कहा है कि रेप का चार्ज भी इस मामले में जोड़ा जाए। SIT रेप का चार्ज भी अब जोड़ना चाहती है। ये चार्ज सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके पिता और JDS के विधायक HD रेवन्ना के खिलाफ भी जोड़ना चाहती है। आपको बता दें HD रेवन्ना देवेगौड़ा के बेटे हैं और प्रज्वल रेवन्ना देवेगौड़ा साहब जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके पोते हैं।